तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है, ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सब को कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो, हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो
मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें, हे परमात्मा सभी स्वस्वभाव में स्थापित हों। सभी देखने की कला सीख पाएं ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं। पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए, ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे। सब मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है, सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें, सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले।
प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो हमारी दुखती नस होती है हम उसको बचाने की कोशिश करते रहते, उसको बचाने की कोशिश करते रहते, और बचाने की कोशिश में क्या होता है, वो जो खजाना देने वाली थी वो खजाना आप तक नहीं पहुंचता। आपने बचा तो लिया खुद को। कई लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं दुखती नस पर कोई हाथ न रखे, पूरी लाइफ लॉन्ग बचा सकते हैं उसको, पूरा जिंदगी मैनेजमेंट करके वो बचा सकते हैं खुद को। उस दुखती नस पर कोई हाथ न रखे और वो इतना चिल्लाएंगे कि सामने वाला वापस डेयरिंग नहीं करेगा बोलने की। ये मैनेजमेंट है व्यक्ति की। तो वो करके गया मगर उसने क्या खोया उसे मालूम नहीं है। उसके लिए उस दुखती नस के साथ जो सबक था वो सबक उसने प्राप्त नहीं किया, उससे मुक्त होकर वो पृथ्वी पर जीता तो कैसा आनंद वो महसूस करता। जिन चीजों पर आप परेशान होते थे अब वे चीजें होती हैं और आपको परेशानी नहीं होती है, तो उसकी खुशी कितनी होती है, उसकी खुशी कितनी होती है कि सामने वाले ने ऐसा बोला मगर फिर मेरे अंदर कुछ हुआ ही नहीं, मुझे दुख आया ही नहीं। आप आश्चर्य करते क्या हो गया है, ये कौन सी अवस्था है। पहले जिस पर इतनी चिढ़ आती थी, मरने मारने की बात होती थी, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कुछ कार्य हुआ है, सबक मिले हैं, पृथ्वी लक्ष्य के साथ जो होना चाहिए था वो हो रहा है। ये गुड न्यूज है, ये आपके लिए अच्छा समाचार है। तो ये आनंद कैसा है, आज़ादी का आनंद कैसा है। बाकी भी आनंद आप लेते रहते हो मगर ये आज़ादी का आनंद कैसा है, सत्य का प्रेम कैसा है, उसके लिए मन तैयार हो जाए। सब मन की तैयारी पर है। मन तैयार है यानी मन को ऐसी समझ मिली है कि उसने बड़बड़ बंद कर दी है, वरना वो बड़बड़ करते रहेगा। ये सब तो हो गया मगर कुर्ता कुर्ता तो नहीं मिला। मेरा फटा हुआ कुर्ता देखकर आज भी मुझे लोग नौकरी समझ रहे, फटा हुआ कुर्ता देखकर आज भी लोग मुझे नौकर ही समझ रहे हैं। उसकी दुखतीनस कैसी है, मालिक की दुखतीनस कैसी है, वो उस इमेज के लिए क्या कर सकता है, उस इमेज को बचाने के लिए वो कुर्बानी कर देता है अपने सुखों की, अपने रिश्तों की, पृथ्वी लक्ष्य की, सिर्फ उस दुखती नस से बचने के लिए। कितना बड़ा महंगा सौदा है। लोग महंगे सौदे करते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि तुम क्या बचा रहे हो,
और उसके बदले में क्या दाव पर लगा रहे हो उस दुखती नस की वजह से। कोई अपनी भक्ति दाव पर लगा दे, शरीर की नसें क्या बोल रही हैं और मन की नसें क्या बोल रही हैं। शरीर किस चीज़ से बचना चाहता है, मन किस चीज़ की शिकायत कर रहा है। शादियों में लोग सिर्फ दिखावे के लिए कि लोग बोलने चाहिए कि शादी ऐसी तो हमने देखी नहीं, कर्ज लेकर भी लोग कर डालते, क्या दाव पर लगा रहे अपना सुख चैन। एक शादी के बाद जिंदगी भर लोग उससे ठीक करने में लगे हुए, जो कर्ज लिया, जो रिश्तेदार बनाए उनको खुश करने में, उस कर्ज को निपटाने में। इंसान को जब तक कोई इशारा नहीं करेगा वो सोचेगा नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।